लेखपाल संघ अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना तहसील परिसर पर दिया। आज बरेली तहसील परिसर पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों का एक दिवसीय धरना चालू रहा। लेखपालों की मांग है कि पिछले जो एक साल पहले आंदोलन किया गया था उसकी हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आंदोलन कर रहा है। उसी के इसमें आज एक दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन पर मुख्य सचिव लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन को आज पत्र भेज दिया गया, तो प्रदेश आह्वान पर आंदोलन करने को लेखपाल संघ तैयार रहेगा। जबकि एक साल पहले आंदोलन के समय कहा गया था कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, मगर एक साल बीत जाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई, जिसको लेकर आज पूरा लेखपाल संघ आंदोलन करने को बाध्य हुआ है, जिसमें एसीपी विसंगत वेतन उच्चीकरण, प्रोन्नति कार्ड रिव्यू, पेंशन विसंगति भत्ता, इंडस्ट्री की योजना, लेखपाल राजस्व का पद का नाम, राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियम वाली 2018 को प्रख्यात किया जाना, लैपटॉप व स्मार्टफोन आधारभूत सुविधा एवं संसाधन, राजस्व परिषद स्तर पैनति सहित मांगों को लेकर आंदोलन पर लेखपाल संघ बैठे रहे। मेरा नाम शिवचंद यादव, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद शाखा बांदा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार से यहाँ पर बैठक की जा रही है और ये आंदोलन चल रहा है? हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय व आह्वान पर आज हम जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए और 4 बजे जो है हम उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारा जो पिछला आंदोलन चला था उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। सरकार ने ये कहा था कि हम इतने दिनों में आपकी मांगे पूरी कर देंगे। एक साल व्यतीत हो जाने के बाद आज तक कोई मांग नहीं पूरी की गई है, तो हमारा प्रदेश का लेखपाल संघ बहुत ही आंदोलित है कि जब तक ये हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तो हम किसी भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आज तो एक दिवसीय है, इसके बाद आज शाम के जो भी प्रदेश संघ हमें निर्णय देगा वो आगे हम करेंगे उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचंद यादव, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बांदा। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।